हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। और आज मैं आ चुका हूँ माँ मालती बाजार शोरूम चंदवा मोढ़ारा बिहार, एंड मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं सौरभ ऑटो वर्ल्ड। तो आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारे पास गाइस ऑल न्यू 2023 बजाज पल्सर 125 कार्बन रेड कलर। और आज इसका हम करने वाले हैं फुल डिटेल रिव्यू। एंड इससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये गाड़ी के बारे में सारा डिटेल में बात करेंगे। इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, कितनी कलर आपको मिलने वाली है, बजाज 125 में आपको टोटल कितनी वेरियंट मिल जाती है, इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या है, ये गाड़ी कितना माइलेज देता है, तो सारा डिटेल बात करने वाले गाइस। तो प्लीज वीडियो को इंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखने वाला है गाइस, बजाज पल्सर 125 और 2023 मॉडल में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो भी इस वीडियो में सारा डिटेल में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 91,194 रुपये इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस मिलने वाला है। ऑन रोड प्राइस आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यहाँ पर आपको ब्लैक में वाइजर मिल जाएगा, देखिए बिल्कुल पहले वाला आपको फ्रंट का लुक मिल जाता है, कोई भी आपको चेंजेस नहीं मिलता है 2023 में। यहाँ पर बजाज का लोगो मिल जाएगा और आपको हेडलैम्प कुछ ऐसा दिखने वाला है, हैलोजन आपको हेडलैम्प मिल जाता है, देखिए ऐसा कुछ आपको लाइट मिलने वाला है, देखिए बिल्कुल पहले वाला। और दोनों साइड आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, वो भी हैलोजन में, देखिए ऐसा कुछ आपको इंडिकेटर मिल जाता है। और मडगार्ड कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, फुली ब्लैक में आपको मडगार्ड देखने को मिल जाएगा और इसका भी क्वालिटी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको रेड कलर का स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट एलॉयल कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, फुली ब्लैक में आपको फ्रंट का एलॉयल देखने को मिल जाता है। अगर टायर सेक्शन का बात करें तो 80-117 का आपको टायर सेक्शन मिलने वाला है, सीएट का टायर मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है। और फ्रंट सस्पेंशन कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, टेलीस्कोपिक आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलने वाला है, दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, 240 mm आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अगर बात करें इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस का तो 165 mm इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, बाकी डिटेल आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अब राइट से देखते हैं कैसा गाड़ी दिखने वाला है। तो राइट से कुछ ऐसा ये गाड़ी आपको दिख जाता है, पल्सर 125 काफ़ी प्यारा आपको लुक मिलने वाला है। और इसमें आपको टोटल 3 वेरियंट मिलने वाला है 125 पल्सर में। पहला वेरियंट आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगा डिस्क ब्रेक के साथ, जो अभी आप सामने देख रहे हैं। सेकेंड आपको सिंगल सीट मिल जाएगा, ये स्प्लिट सीट आपको नहीं मिलेगा। और थर्ड आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगा, उसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिल जाएगा, उसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। तो टोटल आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है। और टैंक कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, देखिए काफ़ी प्यारा आपको टैंक का डिज़ाइन मिल जाएगा। और ये जो रेड कलर का ग्राफिक है और ज़्यादा प्यारा लग रहा है साइड से देखने में। और यहाँ पे आप पल्सर लिखा हुआ मिल जाएगा, वो भी 3D में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 11.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। और इंजन कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, देखिए फुली ब्लैक में आपको इंजन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बजाज DT SI लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसमें आपको किक स्टार्ट का भी सिस्टम मिल जाता है, तो ये प्लस पॉइंट है। अगर बैटरी अगर आपका डिस्चार्ज हो गया या बैटरी ख़राब हो गया तो आप टेम्प्रोरी किक से भी गाड़ी को स्टार्ट करके अपना काम हम चला सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। और ब्लैक में आपको लैगगार्ड मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा सेफेस्ट होता है, पैर वगैरह सेफ रहता है। और ये जो पैनल है ये भी सेफ रहता है, स्क्रैच होने से बहुत ज़्यादा बचता है। और राइडर फुटरेस्ट कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, ये बिल्कुल आपको फिक्स मिलने वाला है, ये आपको फोल्डेबल नहीं मिलने वाला है, क्वालिटी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। रियर ब्रेक यहाँ पे आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको पिलियन फुटरेस्ट मिल जाएगा, ये आपको फोल्डेबल मिलने वाला है। जो ग्रिप वगैरह है काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। और रियर सस्पेंशन कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, फुली ब्लैक में आपको रियर सस्पेंशन मिलने वाला है, ट्विन गैस शॉक आपको रियर सस्पेंशन मिल जाता है। और ऐसा कुछ आपको एग्जॉस्ट मिलने वाला है, फुली ब्लैक में इस गाड़ी का एग्जॉस्ट मिल जाएगा। और ये पैनल आपको पहले सिल्वर में मिलता था, अब 2023 में अपग्रेड हो गया, ये आपको फुली ब्लैक में मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए एक रेड सा प्यारा सा आपको ग्राफिक मिलने वाला है और 125 का यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। और अब बात करते हैं इस गाड़ी का इंजन का, 124.4 cc पेट्रोल इंजन आपको मिल जाएगा, मैक्स पावर 11.64 bhp, मैक्स टॉर्क 10.8 Nm, 5 स्पीड मैनुअल गियर मिल जाएगा, माइलेज आपको 50 देने वाला है, सिंगल सिलेंडर इंजन आपको मिलने वाला है, एयर कूल्ड इंजन मिल जाएगा, BS6 इंजन मिलने वाला है। बाकी इंजन का डिटेल आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल से, तो रियर से कुछ ऐसा दिखने वाला है पल्सर 125। अगर बात करें रियर टायर सेक्शन का तो आपको 11917 का आपको रियर टायर सेक्शन मिलने वाला है, ब्लैक में आपको एलॉय व्हील मिल जाएगा और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है।
और टेल लैंप कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है। देखिए बिल्कुल पहले वाला आपको लुक डिज़ाइन वगैरह मिलने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है 2023 मॉडल में। एलईडी में आपको टेल लैंप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और दोनों साइड आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, वो भी हैलोजन में। यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। और स्प्लिट आपको ग्रैपरेल भी मिलने वाला, देखिए फुली ब्लैक में आपको ग्रैपरेल भी मिल जाएगा दोनों साइड, तो काफ़ी अच्छा है। और इस गाड़ी का सीट देखिए, ऐसा कुछ आपको सीट मिलने वाला है और जो सीट का कंफर्ट है काफ़ी अच्छा मिल जाता है। देखिए बिल्कुल गद्दा वाला आपको फील होने वाला है, बिल्कुल सोफ़ा वाला आपको फील होगा। आप जैसे ही इस पर बैठोगे तो आपको लगेगा कि हम सोफे पर बैठे हैं। देखिए मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसका जो सीट का क्वालिटी है काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। स्प्लिट आपको सीट मिल जाता है और इसकी वजह से इस गाड़ी का लुक और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सीट हाइट आपको 790 मिल जाता है। और लेफ्ट से कुछ ऐसे गाड़ी दिखने वाला है देखिए, और यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाएगा फुली ब्लैक में, काफ़ी हेवी आपको मिलने वाला है। और रियर सस्पेंशन आपको मिल ही जाता है, और इधर आपको पिलियन फुटरेस्ट भी मिल जाएगा, और चैन आपको बिल्कुल ढका हुआ मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिलने वाला है, साइड स्टैंड का टफ फीचर भी आपको मिल जाएगा, और ड्यूल स्टैंड भी आपको मिलने वाला है। और 5-स्पीड मैनुअल गियर आपको मिलने वाला है, 1 डाउन 4 अप गियर आपको मिल जाता है। और लेफ्ट से कुछ ऐसा ये गाड़ी का इंजन दिखने वाला है देखिए, और सिंगल हॉर्न आपको मिलने वाला है। मैं आपको हॉर्न का साउंड भी सुनाता हूँ, तो हॉर्न आपको काफ़ी हेवी मिल जाता है। और यहाँ पर अपना गाड़ी को रिजर्व या मेन में लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आपको फीचर्स मिलने वाला है। और इस गाड़ी का हैंडल बार कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, देखिए फुली ब्लैक में आपको हैंडल बार मिल जाएगा। और मिरर कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, नॉर्मल आपको मिरर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको पासिंग लाइट मिल जाएगा, लो बीम हाई बीम टर्न इंडिकेटर हॉर्न, और इस साइड आपको किल स्विच मिल जाएगा, यहाँ से सेल्फ ब्रेक गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस गाड़ी का की कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, देखिए 2 की आपको मिल जाएगा बिल्कुल पहले वाला, कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलता है। और अब बात करते हैं मीटर का, तो ऐसा कुछ मीटर ऑन होने वाला है आपका, देखिए पल्सर 125। यहाँ पे आपको सारा वार्निंग लाइट मिल जाएगा, इधर आपको आरपीएम शो करने वाला है, यहाँ पे कितना गाड़ी में फ्यूल है यहाँ पे शो करेगा, स्पीडोमीटर ट्रिप 1 ट्रिप 2 यहाँ पे शो करेगा, कितना गाड़ी किलोमीटर चला यहाँ पे आपको शो करने वाला है। और यहाँ से मीटर को रीसेट कर सकते हैं, तो मीटर में आपको लगभग सारा कुछ मिलने वाला है जो भी काम की जानकारी है। तो कुछ ऐसा था गाइस पल्सर 125 2023 मॉडल का डिटेल रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 1,13,160 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस मिलने वाला है आरा बिहार में। अगर ये गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना हो या फिर बजाज की कोई भी गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो आपके स्क्रीन पर डीलरशिप का नंबर दिख रहा है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जितना हो सके ये वीडियो को दबाकर शेयर करिए अपने फ्रेंड रिलेटिव फैमिली के साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसा ये गाड़ी लगा, अपना फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइज़।